गुड मॉर्निंग। जो मॉडल्स टॉपिक है अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और टेंथ में भी आपने पढ़ा है। एक्चुअली इसको जब अपन शुरू करें तो उससे पहले आपको ये देखना होगा कि मॉडल्स जो होते हैं उनको हम कैसे डिफाइन करें, व्हाट आर मॉडल्स। तो इसके लिए आपको पहले देखना होगा मॉडल एज अ लीड्स। मॉडल एजेंसीज कितने होते हैं? मॉडल एजेंसीज को यदि हम बात करें तो ये इंग्लिश में 24 होती है मॉडल एजेंसीज, और इनको जब अपन दो पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो एक तो हो जाएंगे मॉडल्स और एक हो जाएंगे एजेंसी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। एजेंसी वर्ब भी बोल देते हैं या हेल्पिंग वर्ब कह दो आप इसको, थोड़ा यदि इजी वे में कहें तो। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स है वो तो कितनी होती है इंग्लिश में? 11, जो आप जानते हो बी टाइप वर्ब हो गई 5, तो ई जा रहा है पॉज वर्ब, और 3 हो गई हैव टाइप, हैज हैव हैज, और 3 हो गई डू टाइप, डू डज और डिड। इसके अलावा मॉडल्स है वो कितने होते हैं इंग्लिश में? 13 होते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है टॉपिक? मॉडल्स। तो मॉडल्स कितने होते हैं? 13 होते हैं। कौन कौन से? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, needn't, daren't और used to। ये क्या होते हैं? 13 मॉडल्स हैं। तो इन मॉडल्स का प्रयोग, इनका जो यूज है वो हम किन किन स्थिति में करते हैं, किन किन परिस्थितियों में इनका यूज किया जाता है, इसको हमें पढ़ना होगा इन मॉडल्स के यूज के लिए। तो कैसे इनका यूज होता है, कैसे इनका हम यूज करते हैं, इसको जानने के लिए आगे देखिए आप कि मॉडल्स की डेफिनेशन क्या होती है, मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल्स है, मॉडल शब्द को किस शब्द से बना है? मूड शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? मूड शब्द से। और मूड का मतलब होता है मन। क्या होता है? मन होता है। तो इसकी जब हम डेफिनेशन दें तो ये कह सकते हैं कि मॉडल्स वे शब्द होते हैं, वे एक्जिलरी वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के मूड के अनुसार यूज की जाती है। सब्जेक्ट का जैसा मूड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स या जो एक्जिलरी वर्ब्स हम लगाते हैं उन्हीं का नाम क्या होता है? मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स किसको प्रदर्शित करते हैं, किसको एक्सप्रेस करते हैं? मूड को एक्सप्रेस करते हैं। जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, उसके मूड को बताने वाले शब्दों को ही हम मॉडल्स बोलते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि मॉडल्स क्या है? वक्ता के मूड को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स जो होती हैं, और एक्चुअली वो एक्जिलरी वर्ब्स जो होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? मॉडल्स कहेंगे। इन मॉडल्स में कौन कौन से है वो मॉडल यदि हम बात करें तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, मस्ट, डेरंट, नीडंट और ऑट टू। मॉडल्स कितने हो गए? 13। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, मस्ट, डेरंट, नीडंट और ऑट टू। ये 13 मॉडल्स हैं। अब इन मॉडल्स के साथ आपको पता है कि हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? फर्स्ट फॉर्म ही आती है। मॉडल्स ऑलवेज टेक The first form of verb, क्रिया का फर्स्ट जो रूप होता है, पहला जो रूप होता है, पहली जो वर्ब होती है, वही हम मॉडल्स के साथ यूज करते हैं। लेकिन हमें वो यूज वर्ब का, मेन वर्ब का नहीं देखना, हमें अगला मॉडल यूज करवाएगा सेंटेंस में कि इस सेंटेंस में अगले स्पीकर की या अगला जो वक्ता है, सब्जेक्ट जो है, वो कौन सा मूड प्रदर्शित करना चाहता है, कौन सा मूड एक्सप्रेस करना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा मॉडल यूज करें उस सेंटेंस में। तो करेक्ट
मॉडल यूज हमें करना होता है, सेंटेंस में ब्लैंक दिया हुआ आता है और उस ब्लैंक को हमें फिल अप करना होता है सेंटेंस के मूड के अनुसार। स्पीकर जो होता है उसके मूड के अनुसार हमें जो एप्रोप्रिएट मॉडल है उसका यूज करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो 13 मॉडल्स हैं, इन 13 मॉडल्स के कीवर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा। किनको पढ़ना पड़ेगा? इसके कीवर्ड्स को। तो सबसे पहले हम इनके अंदर कैन मॉडल को लेते हैं कि कैन मॉडल है वो किन किन परिस्थितियों में, किन किन कंडीशंस में इसका यूज किया जाता है, तो वो देखना होगा हमें। फर्स्ट मॉडल रहेगा कैन। कैन का हिंदी वर्ड क्या होता है, इसको हम किस सेंस में यूज करते हैं हिंदी में? शकना वर्ड के रूप में यूज करते हैं। लेकिन इसके कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं, कैन है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किन किन परिस्थितियों में किया जाता है, तो इसके लिए एबिलिटी, एबल, केपेबल, केपेबिलिटी, केपेबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, पावर, स्ट्रेंथ, परमिशन। लेकिन परमिशन कैसा? इनफॉर्मल। ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनके लिए हमें केयर मॉडल यूज करना होता है। एबल एबिलिटी, कैपेबल कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, पावर, स्ट्रेंथ, परमिशन, लेकिन कैसा? इनफॉर्मल। इन सेंसेस के लिए यदि सेंटेंस में आपको लग रहा है कि हमें एबिलिटी दर्शानी है लेकिन कैपेबिलिटी दर्शानी है, कैपेसिटी दर्शानी है, स्किल दर्शाना है, पावर दर्शाना है, स्ट्रेंथ दर्शानी है, तो उस स्थिति में आपको कैन मॉडल यूज करना होगा। अब हमें कैसे पता चले, तो वो तो आपको सेंटेंस का मीनिंग देखना होगा, सेंटेंस का भाव देखना होगा कि उसमें क्या इनमें से कोई की वर्ड है वो हमें एक्सप्रेस करना है। यदि इनमें से कोई आपको एक्सप्रेस करना है तो निसंदेह आपको 100% मॉडल क्या लगाना पड़ेगा, कैन ही यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको कैन मॉडल यूज करना है, समझ गए। अब नेक्स्ट बात आती है कि इनका यूज कैसे पूछा जाता है, कैसे सेंटेंस में आपको इनका यूज करना होता है, तो उसे देखिए। इसके एग्जांपल्स की बात करें हम कि कैन के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं इन कीवर्ड्स के आधार पे। जैसे आपको सेंटेंस दिया एक तरीका है ये सेंटेंस पूछे जाने का, आपको यहाँ क्या दे दिया, एबिलिटी दे दिया और सेंटेंस दिया ही रन एज फास्ट एज राकेश। अब यहाँ पे अगले ने कहा कि एबिलिटी को एक्सप्रेस करने वाला मॉडल भरना है, आपको पुस्तक में ब्रैकेट में आगे दिया हुआ आएगा कीवर्ड। अब एबिलिटी को आपको पता है कि हमने कीवर्ड में लिखा है कि कैन का कीवर्ड क्या होता है, एबिलिटी होता है, तो आप बिना कोई विचार किए क्या वर्दोगे, कैन वर्दोगे, क्योंकि आपको अगले ने कीवर्ड क्या दिया है, एबिलिटी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने एबिलिटी कर दिया। उसके बाद जैसे ये है यूज माइंड और यहां पर कह दिया परमिशन। अब परमिशन जब दिया जाता है, चाहे दिया जाता है यू यूज माई बुक, अब यहाँ पर आप तो इसको फॉर्मल परमिशन दे रहे हो कि इनफॉर्मल, इनफॉर्मल है क्योंकि आप अपनी बुक के लिए कह रहे हो यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर परमिशन के लिए कैन यूज
लिखेंगे जब इनफॉर्मल है तो, क्योंकि आपकी पर्सनल चीज है। देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या होता है कि जब कोई आप सार्वजनिक या पब्लिक जो चीजें होती है उनके लिए परमिशन दोगे तो वो तो मे आएगा वहां पे, अपन मे मॉडल करेंगे तब देखोगे। लेकिन ये पर्सनल चीज है आपकी बुक, इसलिए उसके लिए जब आप कह रहे हो कि आप इसका यूज कर सकते हो तो वहां आपको परमिशन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कैन मॉडल लगाना पड़ेगा इस स्थिति में। नेक्स्ट देखो, उर्दू इजीली, शी स्पीक उर्दू इजीली। अब यहां पर आपको अगले ने दे दिया कैपेसिटी, अब कैपेसिटी देखते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि कैपेसिटी को बताने वाला मॉडल कौन सा है, क्योंकि हमने कीवर्ड में लिखा है कैपेसिटी, याद रखना होगा आपको कीवर्ड को। और कैपेसिटी को देख के आपके दिमाग में आ गया कि कैपेसिटी को तो कैन बताता है, तो यहाँ आपने कैन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सी कैन स्पीक उर्दू इजीली, कि वो आसानी से उर्दू बोल सकती है, उसमें इतनी कैपेसिटी है, यहाँ आपने परमिशन दिया है, कैन ये कहता है, यहाँ उसमें एबिलिटी है, इसलिए आपने कैन यूज किया है। तो ये मॉडल है वो क्या यूज कर, क्या एक्सप्रेस करते हैं, इस सब्जेक्ट के मूड को एक्सप्रेस करते हैं। अब मूड को कैसे, कि ही कैन रन एज फास्ट, वह इतना तेज दौड़ सकता है जितना कि राकेश, मतलब कि ही है उसके मूड को एक्सप्रेस किया है कि वो इतना तेज दौड़ सकता है। यहाँ यू है उसका मूड है कि आप मेरी बुक को यूज कर सकते हो, तो इसके मूड को एक्सप्रेस कर रहा है। सी है उसके मूड को एक्सप्रेस किया जा रहा है कि सी क्या कर सकती है, उर्दू है उसको इजीली बोल सकती है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो ओनली आपको इसलिए दिए जाते हैं, मॉडल्स यूज इसलिए किए जाते हैं कि हम सेंटेंस के साथ, सब्जेक्ट के साथ में जब मॉडल यूज करते हैं तो वो मॉडल आपका वो जो सब्जेक्ट होता है उसके मूड को ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस कर देता है, इसलिए मॉडल्स के यूज सेंटेंस में किए जाते हैं। तो आज एक मॉडल हुआ है कैन, इनके कीवर्ड हमेशा याद करोगे साथ साथ तो ही हो पाएंगे, अन्यथा फिर मिक्सअप हो जाएंगे, तो साथ साथ याद करना। और नेक्स्ट अपन कैन के बाद अगला जो मॉडल है वो कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।